थायराइड हार्मोन और उसका असर प्रेगनेंसी के ऊपर। थायराइड हार्मोन को बिल्कुल नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए। थायराइड हार्मोन अगर बॉडी में कम है तो भी तकलीफ़ देगा, और अगर ये ज़्यादा है तो भी तकलीफ़ देगा। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको यही डिटेल में बताऊंगी कि थायराइड कैसे प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है, अगर कम होता है तो क्या तकलीफ़ होती है, ज़्यादा होता है तो क्या तकलीफ़ होती है, और क्या क्या चीज़ें आपको डाइट के अंदर ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अगर आपको पहले से थायराइड है तो हमें क्या क्या चीज़ों का प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, थायराइड ग्लैंड एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है जो गले में इस हिस्से में पाई जाती है। यह एक थायराइड हार्मोन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, आपकी मेमोरी को, आपके हार्ट को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी मेमोरी को, आपकी स्किन के टेक्स्चर को। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आपके पीरियड्स को, पीरियड को भी ऊपर नीचे कर सकता है, और उसी प्रकार से इसका प्रेगनेंसी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। थायराइड हार्मोन का नॉर्मल फंक्शनिंग आपके अंदर पनप रहे बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका IQ अच्छा हो, वह इंटेलिजेंट पैदा हो, वह मानसिक रूप से विकसित ना हो, उसके लिए आपको अपने थायराइड को रेंज में रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जैसा कि मैंने बताया, थायराइड ज़्यादा काम करेगा तो भी तकलीफ है और कम काम करेगा तो भी तकलीफ है। तो सबसे पहले हम आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर, यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है, जो कि ज़्यादा कॉमन कंडीशन होती है एज़ कम्पेयर टू हाइपरथायरॉयडिज्म के। हमें दोनों प्रकार के मरीज मिलते हैं, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज ज़्यादा कॉमनली मिलते हैं। बहुत बार पेशेंट को पहले से पता होता है कि उसको थायराइड प्रॉब्लम है, और प्रेगनेंसी के दौरान हमको उसी चीज़ को फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। कई बार पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको थायराइड की तकलीफ़ है, इसीलिए जब भी कोई भी महिला हमारे पास प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आती है तब भी हम उसका थायराइड चेकअप ज़रूर कराते हैं, और जब आप प्रेगनेंसी लेकर हमारे पास आते हैं तो भी हम फर्स्ट विजिट में, यानी कि जैसे ही फर्स्ट बार आप हमारे पास आते हैं, हम आपका थायराइड का टेस्ट ज़रूर से कराते हैं। तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो क्या होगा, डेफिनेटली ब्लड के टेस्ट की रिपोर्ट में तो पता चलेगा ही कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, पर आपको क्या सिम्टम्स फील होंगे। आपको ठंड लग सकती है, ठंड यानी कि नॉर्मली सब जैसा जितना टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा ठंड लग रही है। आपको थकान लग सकती है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, आपको बहुत लेज़ी टायर्ड फीलिंग हो सकती है, आप हो सकता है आपकी बॉडी पे जो स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। प्रेगनेंसी में वेट गेन होना एक नॉर्मल चीज़ होती है, यानी कि वज़न तो प्रेगनेंसी में बढ़ता ही है, पर इसमें कुछ अधिक वज़न भी बढ़ सकता है, यानी कि आपको लगे कि आप इतना तो नहीं खा रही हैं पर वज़न कुछ ज़्यादा ही स्पीड पर बढ़ रहा है। आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है, आपके हेयर्स का, नेल्स का टेक्सचर ब्रिटल, जल्दी से टूट जाने वाला हो सकता है। हो सकता है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी भूल रही हैं, आप कंफ्यूज्ड स्टेटस के अंदर रह रही हैं, आपको थकान लग रही है, आपको लग रहा है कि नींद आप पर ज़्यादा हावी है, आपको लग सकता है कि आपकी हार्ट रेट जो है वो बहुत स्लो की साइड में चल रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ऐसी कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है। कई बार महिलाओं को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और हम सिर्फ ब्लड टेस्ट कराते हैं और आपको बताते हैं कि आपको थायराइड प्रॉब्लम है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो प्रेगनेंसी में पाया जाता है उसका जो कॉमनेस्ट कारण होता है वह होता है ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड तो नॉर्मल हार्मोन सिक्रीट कर रहा है लेकिन आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना रही है, जिसके कारण इफ़ेक्टिव जो थायराइड हार्मोन की वैल्यू है वो बॉडी में कम पड़ रही है। ऐसे केसेस में जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो आपका TSH लेवल्स आता है, हम ब्लड टेस्ट में T3, T4, TSH, थायराइड एंटीबॉडीज सभी प्रकार के टेस्ट कराते हैं। इसमें स्पेसिफिकली जो आपका TSH लेवल है, जिसके आधार पे हम आपकी डोज टाइट्रेट करते हैं, यानी कम ज़्यादा करते रहते हैं, तो वह TSH वैल्यू बढ़ी हुई आती है। बहुत बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि मैडम TSH तो रेंज में दिखा रहा है, यानी कि TSH की रेंज लिखी होती है रिपोर्ट की साइड में 0.55 to 5, अलग अलग लैब्स की थोड़ी ऊपर नीचे होती है। तो कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हमारी रेंज में तो मैडम रिपोर्ट है, जैसे थायराइड की बीमारी आपको पहले से, आपको 50 माइक्रोग्राम की सपोजिटली डोज पहले से चल रही है, हमने आपका टेस्ट कराया और रिपोर्ट आई 4.75। तो बहुत बार महिलाएं हमसे पूछती हैं तो हमें क्यों डोज बढ़ाने की ज़रूरत है या क्यों चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये तो रिपोर्ट तो रेंज में ही है।
तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो जो रेंज लिखी होती है वह नॉर्मल लोगों के लिए लिखी होती है, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के लिए लिखी होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं है तो ठीक है वो रेंज, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हमें जो पहली तिमाही होती है यानी कि फर्स्ट ट्रेमेस्टर में होता है आप, तब हमें वो वैल्यू 3 के नीचे रखनी होती है, यानी कि TSH की वैल्यू बिलो 3 रखनी होती है। सेकेंड और थर्ड ट्रेमेस्टर में यानी कि बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने हमें 3.5 तक की रेंज चलती है, यानी कि 3.5 तक की वैल्यू को हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अगर वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम आपकी डोज को बढ़ा देते हैं थायरॉयड की। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो थायरॉयड की जो रेंज है TSH की जो रेंज है वो प्रेगनेंसी में और नॉन प्रेगनेंट स्टेटस में अलग अलग होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम इसको ये ब्लड टेस्ट करा के डिटेक्ट करते हैं, और जब प्रेगनेंसी में थायराइड प्रॉब्लम होती है तो हम इसको काफ़ी क्लोज मॉनिटर करते हैं, यानी कि शुरू के जो फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी होती है शुरू के 4-5 महीने में हम इसे हर महीने महीने कराते रहते हैं, बाद में इसे 2-3 महीने में एक बार कराते हैं, 2 महीने में चलता है, पर शुरू में इसको हम हर महीने टेस्ट करते रहते हैं कि हमें डोज कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर हम आपको ऐसा ही छोड़ दें यानी कि हाइपोथायराइड स्टेटस में ही छोड़ दें, बहुत बार महिलाएं कहती हैं क्या ज़रूरी है मैडम दवाई देना, ज़रूरी है डोज बढ़ाना, क्या ज़रूरी है, तो ये डेफिनेटली थायराइड हार्मोन को नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अबॉर्शन का रिस्क रहता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, बच्चे का बर्थ वेट कम हो सकता है, क्लैम्पशिया हो सकता है, आपका जो बच्चे का IQ है वह कम हो सकता है, बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। और मेरे ख्याल से कोई भी महिला यह बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका बच्चा डम्बो बच्चा पैदा हो, मानसिक रूप से कमज़ोर हो, हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हो, ठीक है। तो थायराइड ज़रूर से ध्यान रखिए, उसे भूलिए नहीं। अब हम आते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में, यानी कि थायराइड ग्लैंड अधिक काम कर रहा है। जब हाइपरथायरॉयड कंडीशन होती है तो जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, आपको बहुत गर्मी लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वज़न कम हो जाता है, आप हर टाइम बहुत एंग्शियस रहती हैं, नर्वस रहती हैं, डायरिया हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो नौजिया वॉमिटिंग है वो बहुत बढ़ सकता है, आपका वज़न कम हो सकता है, तो नींद भी कम हो जाती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में बिल्कुल रिवर्स फीचर्स आते हैं, जो हाइपोस हैं उससे बिल्कुल उल्टे वाले फीचर्स आते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। हाइपरथायरॉयडिज्म होने का जो कॉमन बीमारी है वह होती है ग्रेव्स डिजीज नाम की एक बीमारी होती है, जिसके कारण कि यूजुअली हाइपरथायरॉयडिज्म देखा जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी में कई बार ट्रांसिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म नामक चीज़ में मिलती है, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म आपको ऐसे होता नहीं, कुछ समय के लिए रहता है। प्रेगनेंसी में एक HCG नामक हार्मोन बॉडी रिलीज करती है, जिसके कारण भी ये ट्रांसिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है कभी कभी। आपको इनमें से जो भी कंडीशन है, चाहे हाइपो है चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म है, इनका ट्रीटमेंट जो होता है वो कम्प्लीटली मेडिकल मैनेजमेंट होता है, यानी कि इनके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। ये इनका ट्रीटमेंट कोई बहुत डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ हमें दवाइयाँ देनी होती हैं और उनकी डोज टाइट्रेट करनी होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये, यानी कि रेंज में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे। अब आप डाइट के अंदर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आपको कुछ चीज़ें खाने में अवॉइड करनी है, जैसे कि आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली ये चीज़ें नहीं लेनी है, स्वीट पोटैटो है, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, मैदा के बने हुए पदार्थ हैं, केक्स हैं, कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं जो सिर्फ मैदा से बनी हुई हैं, वो सब थोड़ी कम की साइड में लेनी है। आपको किन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना है डाइट के अंदर, एक तो डाइट के अंदर आयोडाइज सॉल्ट लेना ज़रूरी है, वैसे आजकल यूजुअली सभी सॉल्ट आयोडाइज सॉल्ट ही मिलते हैं, पर फिर भी ध्यान रखिए कि आपका सॉल्ट आयोडाइज जो है एक बार आप चेक ज़रूर कर लें। आपको डाइट में जिंक और सेलेनियम रिच फूड्स ज़्यादा लेने हैं, जैसे कि लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, दूध है, योगर्ट है, दही है, इन चीज़ों को आपको डाइट के अंदर ज़्यादा यूज़ करना है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, रेगुलर थोड़ा बहुत वॉक, माइल्ड एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो घबराइए नहीं, लेकिन उसका प्रॉपर इलाज ज़रूर से लीजिए, थायराइड की दवाई को मिस नहीं कीजिए। आपको आइडिया होगा थायराइड की दवाई जो हम हाइपोथायरॉयडिज्म में देते हैं यूजुअली लियोथायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है,
उसको हम नाश्ते से पहले लेने के लिए कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको आपको अपने प्रीनेटल विटामिन से मिक्स नहीं करना होता है, यानी कि प्रेगनेंसी में बहुत बार हम लोग आयरन कैल्शियम भी दे रहे होते हैं, तो दोनों को साथ में नहीं लीजिए, नहीं तो थायराइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा थायराइड गोली का, और आपका आपको थायराइड की डोज और बढ़ानी पड़ जाएगी। तो आप जो अपनी कैल्शियम आयरन की गोली है उसको और इसको सेपरेटली लीजिए, उसके बीच में टाइम गैप होना चाहिए, तो आप इसको अपने नाश्ते से पहले लीजिए ताकि आपको इनफ टाइम मिले बाकी दवाइयाँ लेने का। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और कन्फ्यूजन है थायराइड के बारे में तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकती हैं। एक और छोटी सी चीज़, कई बार हमसे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम क्या मुझे थायराइड है तो क्या उसके कारण मेरी डिलीवरी नहीं हो सकती, क्या सिजेरियन कराना ज़रूरी रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थायराइड का डिलीवरी और सिजेरियन से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको थायराइड है तो आपके बच्चे को भी जन्म के वक्त ही थायराइड हो जाने वाला है या ज़रूर से होने वाला है। हाँ, थायराइड का कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जन्मते बच्चे में भी थायराइड आ जाएगा। हाँ, बड़े होने पर उसको हो सकता है, लेकिन वो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। जब भी थायराइड महिला को होता है, हम थायराइड की दवाई दे रहे होते हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे का भी थायराइड टेस्ट ज़रूर से करते हैं, और डिलीवरी होने के बाद में माँ का थायराइड टेस्ट को भी रिपीट कराने की ज़रूरत रहती है कुछ समय के बाद में, क्योंकि माँ के जो थायराइड डोज की रिक्वायरमेंट होती है वो बदल जाती है। प्रेगनेंसी में यूजुअली अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपकी जो डोज की रिक्वायरमेंट है वह बढ़ जाती है, और एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वही रिक्वायरमेंट वापस कम हो जाती है। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।